Hi, I'm Jitendra Kumar. My channel name is Jitendra Kumar Economics 7050523391. आज का वीडियो में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ टोटल डिफरेंशियल। तो इसका सबसे पहले हम लोग आज टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए, सबसे पहले हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने लोग हैं वो बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारा प्रत्येक नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन मिल सके। और सबसे बड़ा बात, हमारे जो पुराने और नए जो भी लोग हमारे व्यूअर हैं, प्लीज़ लाइक देना ना भूलें। तो चलते हम लोग सीखते हैं टेक्निक ऑफ टोटल डिफरेंशियल। सपोज दैट जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला, कैसे, हाउ टू फाइंड आउट टोटल डिफरेंशियल। तो डी जेड डिनोटिंग टोटल डिफरेंशियल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स डीएक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ वाई डी वाई। तो ये हमारा टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला आ गया। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेक दिस थिंग वेरी इजी। तो सपोज दैट जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका टोटल डिफरेंशियल निकालते हैं। तो dz टोटल डिफरेंशियल, तो फर्स्ट क्या करना है, यहां fx का मतलब हो रहा है dz बार dx, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, एंड fy का मीनिंग होता है dz बार dy, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x होगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, निकाला है d यानी डिफरेंशियल, जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे dx, 2y सिमिलरली dy। तो यही है टोटल डिफरेंशियल। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका रूल से, फर्स्ट टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम ऑफ फंक्शन वो देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया, अब सम और फंक्शन निकालते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रूल देखेंगे, उसके बाद कोफिशिएंट रूल देखेंगे। टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम, टोटल डिफरेंशियल ऑफ द सम ऑफ कर्व, क्वेश्चंस है z इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y क्यूब। अब इसका हम लोग निकालेंगे, तो वेरी सिंपल dz लिख दिए। आप यहां देखो, यहां कांस्टेंट, यहां भी वही फंडा अपना के चलना पड़ेगा। जैसे ये कांस्टेंट टर्म में 3, इसको बाहर निकाल दिए, d डिफरेंशियल x स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी एक्स वाई, यहां पर अच्छा पहले लिख लेते हैं, माइनस टू डी वाई क्यू। आप यहां पर देखो, ये फंक्शन का सिंपली 3 आपको कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है, ये अलग हो गया। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसका एफ एक्स निकालना पड़ेगा और डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां भी वही काम करना पड़ेगा, एफ वाई इंटू डी वाई, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 2x dx। अब इसका प्रोडक्ट रूल हम लोग जानते हैं, dx u v, तो क्या होता है u v में, पहले v डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u tan derivative of first v derivative of u plus u derivative of v with respect to x। उसी तरह तो फर्स्ट ये v टर्म है, तो y लिखा गया, x को आप derivative x के रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो क्या हम लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, x हो गया। और एक चीज हम लोग करना पड़ता है, fx को किससे हम लोग करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस होगा x,
और वाई का रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी वाई बाय डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई। अब यहाँ पर आप देखो टू कॉन्स्टेंट सॉरी माइनस है, माइनस में लिख दूंगा टू है, इसका क्या होगा थ्री वाई स्क्वायर, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई और मल्टीप्लाई डिफरेंशियल वाई। अब यहाँ देखो थ्री टू का सिक्स एक्स डी एक्स, नो डाउट यहाँ पर देखो x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 1 हो जाएगा, तो y dx यहाँ क्या होगा y के रिस्पेक्ट में निकालोगे यानी x टाइम्स dy माइनस 3 टू जा 6 y स्क्वायर dy। हम लोगों ने ये चीज निकाल ली। आप देखना यहाँ आपको क्या करना है, जो एक टर्म देखिए कोई टर्म अगर कैंसिल होता है तो उसको हम कैंसिल भी करेंगे, कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जैसे ये dx है और यहाँ पर dy है कॉमन ले लेते हैं, तो dx कॉमन ले लिए तो 6x plus y dx 6x plus y, यहाँ पर dy कॉमन ले लेते हैं तो x minus 6y square, तो इतना लाकर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है यही आंसर हो गया इसका टोटल डिफरेंशियल। देख लेते हैं 6 plus y x minus y। अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट, इसका बनाते हैं। क्वेश्चंस को लिखते हैं हम लोग, z इक्वल टू y स्क्वायर प्लस सॉरी x स्क्वायर प्लस y टाइम्स 2x माइनस y स्क्वायर। वंस अगेन मिला लेते हैं क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस y 2x माइनस y स्क्वायर। तो सिंपली यहां पर भी वही रूल अपनाना है, ये प्रोडक्ट रूल में u है और v है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं v को लिख देते हैं। अब u के रेस्पेक्ट v को लिख दिए तो v का क्या वैल्यू है 2x माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ सिंपली क्या होगा भाई 2x है तो 2x स्क्वायर है तो 2x होगा मल्टीप्लाई डिफरेंशियल dx, फिर प्लस है y है तो y का रेस्पेक्ट में निकालोगे तो 1 होगा, 1 टाइम्स dy डिफरेंशियल ऑफ y, फिर उसके बाद प्लस का साइन देना है। हमने v को लिखा, u का डिफरेंशिएट किया, अब u को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y, और किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे v का निकालेंगे, तो v का निकालेंगे यहां पर है तो 2x का, तो हो जाएगा 2 dx माइनस 2y dy। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देना और जिसके रिस्पेक्ट में निकालो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना, तो फ्रेश करते हैं इसको 2x माइनस y स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया 2x dx प्लस dy प्लस x स्क्वायर प्लस y टाइम्स 2dx माइनस 2y dy। अब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करते हैं हम लोग 2x से होल टर्म को मल्टीप्लाई, ये इससे टोटल का होगा, एक बार में माइनस 10 साइन देंगे फिर इतना से टोटल का होगा, तो इस प्रकार देखते हैं 2x dx प्लस dy फिर माइनस y स्क्वायर, फिर होल टर्म का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2x dx प्लस dy, एक स्टेप यहां तक हो, फिर इधर प्लस का साइन है प्लस देंगे y x स्क्वायर इक्वल टू 2dx माइनस 2y dy
प्लस वाई, तो फिर होल टर्म से अपना से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2dx माइनस 2y dy। अब इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो 2 2 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर dx प्लस 2x dy, यहां तक क्लियर। अब यहां आते हैं माइनस 2x y स्क्वायर dx, इस टर्म को मल्टीप्लाई किए, माइनस है तो माइनस प्लस, माइनस y स्क्वायर dy, ये टर्म क्लियर हो गया। अब यहां पर आते हैं एक्स 2x स्क्वायर dx, अब x स्क्वायर को यहां करें तो माइनस 2x स्क्वायर y dy, फिर y से यहां करते हैं 2y dx, फिर करते हैं माइनस 2y स्क्वायर dy। अब आप लोग को सबको dx वाला को एक ग्रुप में करना है और dy वाला, तो dx वाला को पहले हम लोग छापते हैं, यहां है, यहां है, एक यहां है और एक यहां है, तो सबको एक जगह लिख लेते हैं और dy को बाद वाला में लिखेंगे। तो पहले यहां पर देख लेते हैं 4x स्क्वायर dx प्लस यहां पर है फिर माइनस 2x y स्क्वायर dx, फिर यहां पर है प्लस 2x स्क्वायर dx, फिर कहां है लास्ट में प्लस 2y dx। अब dx वाला का एक ग्रुप हम बना दिए, यहां हो गया प्लस, उसके बाद dy वाला को सब हम ग्रुप में करते हैं, यहां पर है तो प्लस का हम साइन देंगे 2x dy, सेकंड कहां है माइनस y स्क्वायर dy, फिर उसके बाद कहां है हम देखते जाएंगे dy, फिर यहां है माइनस 2x स्क्वायर y dy और फाइनली लास्ट में 2y स्क्वायर dy। अब यहां पर करो क्या, सब में dx कॉमन, तो हम dx को कॉमन ले लेते हैं, तो dx इससे हम कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y, ये हमारा कॉमन ले लिया। इसी तरह यहां पर हम dy कॉमन ले लेते हैं dy, तो बचा क्या 2x माइनस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 2y स्क्वायर। अब यहां पर देखो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां पर इन्वॉल्व होगा, तो कुछ स्पेस ऊपर हम बनाते हैं। आप देखो x dx हम पहले लिख लेते हैं dx, आप यहां देखो 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 और कुछ तो हो नहीं सकता, माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2y, ये पहला टर्म से हमने निकाला। दूसरा हमारा टर्म क्या है dy, अब यहां कुछ हो सकता है, जी हां हो सकता है, ये दोनों में कनेक्शन है, तो 2x लिख दिए माइनस x स्क्वायर y और ये दोनों जुट जाएगा तो क्या 3y स्क्वायर, तो यही आंसर हो गया आपको। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2y टाइम्स डिफरेंशियल x प्लस dy 2x माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर, तो ये आंसर यहां भी आप लिख सकते हैं या आप मल्टीप्लाई आगे पीछे उससे कोई दिक्कत, डिफरेंशियल y लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो गया प्रोडक्ट रूल का। और हम आंसर को भी मिलाते हैं 6x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर 2y 2x, ठीक है एग्जैक्टली आया। अब हम लोग टोटल डिफरेंशियल ऑफ कोसाइन पढ़ेंगे, टोटल डिफरेंशियल और कोसाइन को
तो कोसेंट क्या डिवाइड में होगा। तो बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन हम लोग सिंपल सा उठाते हैं, z बराबर x बाय x प्लस y। आपको याद होगा जब मैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, d बाय d x u बाय v, इसका एक फॉर्मूला था v d u बाय dx माइनस u टाइम्स dv बाय dx बाय v स्क्वायर। और यही फॉर्मूला में हम यहाँ एडजस्ट करेंगे टोटल डिफरेंशियल में। तो फर्स्ट ये हम इसको मान लेते हैं ऊपर वाला को u और नीचे वाला को v। तो v को पहले आप रख दीजिए x प्लस y, आप इसका डिफरेंशिएशन लोगे u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 टाइम्स यानी dx, माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ पर क्या हमने फर्स्ट में भी का रखा, यू को रखेंगे यहाँ पर माइनस का साइन, इसलिए मैं ब्रैकेट में इसको अंदर रख रहा हूँ। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, डी एक्स प्लस डी वाई, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का तो वन होगा और उसका डिफरेंशियल एक्स से मल्टीप्लाई करना है, वाइज करना है, तो यहाँ का काम खत्म। और क्या हमारा फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर, जो नीचे वाला वी मान है तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को कैंसिल कर रहे हैं, एक बार इससे गुना होगा, एक बार फिर इससे होगा, तो x टाइम्स डिफरेंशियल dx प्लस y टाइम्स dx, नीचे क्या है x प्लस y स्क्वायर, x प्लस y स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी वही माइनस का साइन इसको पहले कर लेते हैं, x इंटू dx, x इंटू dx प्लस एक्स इंटू डी वाई। अब काम करते हैं, इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं, तो क्या हमारा सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, माइनस एक्स डी एक्स, फिर ये भी माइनस हो जाएगा एक्स डी वाई, आप देख रहे हो एक्स माइनस, हाँ ये एक्स डी एक्स और ये एक्स डी एक्स, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा बचा क्या भाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। और हम भी मिला लेते हैं आंसर, एक्स डी वाई डी एक्स। तो यही है तीन रूल मैं बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम चैन रूल, उसके बाद का वीडियो में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इट्स एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल दिन, और वंस अगेन मैं कहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। जय हिंद।